Hey, how's it going, everyone? My name is Parip and welcome back, everyone, to my second channel. So, guys, आज हम लोग देखने जा रहे हैं दुनिया के कुछ बहुत ही ज्यादा लकी लोग। ये इतने ज्यादा लकी है गाइस कि इनके साथ ऑलमोस्ट कांड होते होते रह गया भाई। अगर एक सेकंड भी आगे पीछे हो जाता ना तो इनकी तो गेम बच जाती। बट ये लोग इतने लकी थे कि आज हमारी वीडियो में फीचर है गाइस। तो भाई इस बात के लिए एक लाइक तो बनता भाई। 25,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो गाइस। इस वीडियो का लाइक ये है एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज हम लोग 15 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत नजदीक है। 15 लाख मुझे पहुंचा दो यार, मजा आ जाएगा भाई मेरे को। एंड सीधा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, लकीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। आई एम सो एक्साइटेड। मैं देखना चाहता हूँ दुनिया में लोग कितने ज्यादा लकी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो लकी नहीं। ओह माय गॉड, वेट, प्लेन वाला यहाँ पर क्या होने वाला है? डोंट टेल मी कि ये क्रैश होने वाला था, कुछ सीन होने वाला था इसके साथ। ओह, ये लैंड ही नहीं किया। ओह, तुम लोग समझे यहाँ पर क्या हुआ अभी? ये देखो ना, ये ऑलमोस्ट लैंड करने वाला था, बट ये इतनी ज्यादा हाई स्पीड में लैंड हो रहा था कि ये ना बाउंस हो रहा है। इसका पिछवाड़ा ऑलमोस्ट बजने वाला था, एंड अगर बच जाता तो प्लेन में आग भी लग सकती थी भाई साहब। कितने ऑलमोस्ट 250-300 लोग बैठे हैं इसके अंदर भाई, सारे के सारे लकी थे तो। ऑलराइट बॉयज एंड ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे तो आई थिंक बारिश। व्हाट, ये तो शिमला के हाल। ए भाई पत्थर, नो 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 नो, ओह माय गॉड। इस गाड़ी का साइज देखो और इस पत्थर का साइज देखो भाई। इस गाड़ी से कम 4 गुना ज्यादा बड़ा ही वाला पत्थर भाई साहब। और जो ये एग्जैक्ट यहाँ पर कांड हुआ है ना, इस साल, लाइक इस साल तो नहीं, 2023 में शिमला में, हिमाचल प्रदेश में मोस्ट ऑफ द जगहों पे सेम कांड हो रखे थे, क्योंकि इतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल हुई थी। ब्रो ये गाड़ी वाला बंदा बहुत लकी है। और मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, क्योंकि मैं खुद पहाड़ों पर रहता, तो भाई जब इस टाइप के हादसे होते हैं ना भाई, दिल ऐसा घबरा जाता है देख के। क्योंकि अगर अपने साथ ऐसा हो गया, सोचो तुम लोग गाड़ी चला रहे हो और विद इन अ सेकेंड तुम लोग गए भाई, है ना? ये बहुत बुरी चीज होती है बाय द वे। बड़े बंदे बहुत ज्यादा लकी थे इस गाड़ी के अंदर वाले यार। इस बंदे की लक को गाइस मैं देने वाला हूँ 9 out of 10। 9 out of 10 दूंगा मैं इसको, है ना? क्योंकि एक्चुअली बहुत ज्यादा लकी था ये बंदा। चलो अगला वाला सिस्टम। नो नो नो, मैं समझ गया फिर क्या होने वाला है। ओ भाई साहब, भाई ये तो फिर से देखना चाहते हैं एक बारी। ये रुको यहाँ पे भाई, मैं तुम लोग एक बात बताऊँ, कि तुम लोग गाड़ी चलाते हो और मान लो साइड में बस खड़ी है, तो हमेशा अगर मान लो तुम्हारी गाड़ी ये वाली है तो हमेशा स्पीड को स्लो रखो, क्योंकि हो सकता है बस के पीछे कोई बच्चा भाग के आ जाए, कोई ऐसे इंसान भाग के आ जाए, जो ऐसे लोग होते हैं यू नो, बेवकूफ जैसे थोड़े से, कि डायरेक्ट भाग के जा रहे हैं, देख नहीं रहे बड़े। तो एज अ ड्राइवर हमेशा भाई ब्रेक मारो, नहीं तो ऐसे कांड हो सकते हैं। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉल थी। इसके लक को भी गाइस मैं ऑलमोस्ट 8 out of 10 देने वाला हूँ भाई साहब। क्या था भाई ये? ओके, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ओ, ये बंदी इसको क्रॉस करके जा रही थी जब। अरे भाई ऐसी हरकतें मत किया करो भाई, ऐसी हरकतें मत किया करो यार। भाई साहब जो ये चीज यहाँ पे लगाई है ना सरकार ने, ये जानबूझ के लगाई होती है यहाँ पे, और इसके नीचे से जा रही है। जब ये लगा हुआ इसका मतलब ये कि यहाँ पे ट्रेन आने वाली है। हे भगवान भाई, देखो ये लकी तो थी बट ये बेवकूफी भी थी, तो इसकी लकी चीज को मैं कितना दूंगा? इसके लक को मैं दूंगा 5 out of 10, क्योंकि इसने खुद बेवकूफी करी है भाई, ये तो है ना, बट बच गई यू नो, तो भगवान मेहरबान था भाई इसके ऊपर। ओके अगला। ब्रो ये बंदा वही बैठा हुआ था जहां पर एक गाड़ी लिटरली टेढ़ी हुई है। ओके ओके, इसमें इस बंदे की गलती नहीं थी। इसकी लक को मैं दूंगा 7.5 out of 10, आई थिंक सो राइट, क्योंकि अगर ये गाड़ी इसके ऊपर गिरती भी तो ये कुछ सीन तो नहीं होता इस बंदे के साथ। सिर्फ और थोड़ा सा ऐसा ठोकर लग जाती, दर्द होती दो दिन तक, एंड दैट्स इट, नॉर्मल जाता उसके बाद। ओके अगला देखते जरा। बंदा खड़ा हो गया भाई लास्ट में। हेलो, एक बार मैं फिर से देखना चाहता, हालांकि काफी डेंजर वीडियो। ओ माय गॉड, एक्चुअल में लकी था इसके। इसके पूरे के पूरे बाइक के चीथड़े उड़ चुके भाई, और बंदा साइड में खड़ा है। हमें कोई कुछ कर नहीं सकता जब तक भगवान मेहरबान है हमारे ऊपर। यहाँ पर क्या होने वाला है? सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा है। ओह यहाँ पे ठुकने वाला क्या ये? नहीं, सब कुछ तो नॉर्मल है। वेट, दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड भाई। भाई ये कैसे हो सकता है यार? ये गाड़ी वाला कितना रांधू चला हुआ, देखो ये कहां से भाग के आया जानबूझ के गाड़ी के साथ। ब्रो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, सीरियसली डूड। ओ नो 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 नो, पागल है भगवान, ये बंदा पागल था। ये जो भी बंदा था पागल था भाई, ये जो भी बंदा था पागल था। पहली बात, अगर मैं, हाँ मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, इस बंदे को ये ट्रेन क्यों नहीं दिखी? क्योंकि बीच में ट्रेलर है, ये ट्रेन इसके पीछे से, अदरवाइज इसको तो ये बहुत पीछे से दिख जाती कि ट्रेन आ रही है, राइट? इसकी किस्मत खराब थी, बट इन द एंड इसने क्या बड़ी बेवकूफी करी, देखो गाइस। ये बंदा साइकिल चला रहा है और यहां पर ये पैदल हो गया। ओके, ओ
पैडल मार के इतनी स्पीड नहीं बढ़ती जितना इसका पैर से मार के क्या। ओके डूड मैं समझ गया भाई। ओ भाई इसके क्या दिल की धड़कने रुक गई होगी इस मोमेंट में भाई। आई कांट इमेजिन कि ये इस बंदे की जगह पे मैं हूं इस वक्त यहाँ पे। अभी इस बंदे को गाइस अगर इस वक्त तुम लोग ओलंपिक्स में लेके जाओगे ना तो भाई पैर से ही ये बंदा इंडिया के लिए मेडल लेकर आ जाएगा। इतना तेज भागा है बंदा यहाँ पे। आई एम नॉट इवन जोकिंग यार। ओके ओ भाई साहब वो डायलॉग तुम लोगों को सुना होगा 2.5 किलो का हाथ। भाई साहब ये 250 किलो का होगा कम से कम, मे भी उससे ज्यादा भी। इसको पट मार के पड़ता ना भाई, इसकी पीठ में पड़ता ना, इसकी पीठ फ्रैक्चर हो जाती सीरियसली। भाई साहब कितनी लापरवाही है दुनिया में यार। और बाद में गाड़ी भी बच गई, गाड़ी को एक ठोकर पड़ती है ना टेढ़ी होती है गाड़ी, इतना हैवी होता है ये चीज भाई साहब। यहाँ पर क्या, What are the chances, dude? What are the chances? भाई ये बंदा randomly एक जगह पे न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा, पीछे से वहीं पे गाड़ी आई, देखो। Shit, dude. Oh my God. भाई इस बंदे की मैं लक तो नहीं बोलूंगा, इसकी बैड लक को मैं 9 out of 10 देने वाला हूँ। बैड लक को 9 out of 10 बनता है भाई, ये चीज के लिए बनता है यार। ये बहुत ही ज्यादा रैंडम चीज थी एक्चुअली। ऑल राइट, एक फैक्ट्री के अंदर हम लोग है जहां पर कोई चीज तो ऊपर से नीचे आ रही है, क्या वही है? ओ इसकी क्रेन के वो ज्यादा हाई होगा। और ये बंदा देखो वहां पे, ओ जहां पर ये बंदा खड़ा था एग्जैक्ट वहीं पे क्रेन गिरी है, बैठा हुआ था जहां पर ये। भाई साहब इसकी लक को तो मैं दूंगा 8 out of 10 इजीली भाई। इसका कचुंबड़ बनने से बच गया। अरे ये क्या हो रहा है? ओ ओ ओ शिट, मुझे हंसना नहीं चाहिए। ये चीज हंसने वाली नहीं थी भाई, ये चीज हंसने वाली नहीं थी, ये चीज बिल्कुल हंसने वाली नहीं थी। पहले इससे बचा फिर उससे बचा, किस्मत थी इस बंदे की। भगवान ने सोचा, यमराज ने सोचा, आज तुझे मैं लेकर नहीं जाऊंगा बेटा अपने साथ, आज तू रहेगा धरती पर ही। भाई साहब इसकी लक को मैं कितना दूंगा, क्योंकि भाई दो जगह से बचा है ना ऑलमोस्ट, दोनों जगह से कुछ भी हो सकता है इसके साथ। 9.5 out of 10 बनता है भाई इसके लिए। इट वॉज क्वाइट लकी यार। ओके तो यहां पर ये लड़की, व्हाट ये क्या देख लिया मैंने? हेलो, अब मैं तुम लोग एक बात बताऊं, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या हुई है, इसे पक्का कान में कुछ लगाया होगा, कान में कुछ। देखो यहाँ पे एक बारी जैसे क्रॉस किया, ओ माय गॉड, जो इस बंदे की हालत खराब हुई होगी ना यहाँ पे ट्रेन को जाते हुए देखकर। भाई साहब कभी भी तुम लोग रेल ट्रैक्स के आसपास हो, कहीं भी तुम लोग मेन सड़कों पे घूम रहे हो, हेडफोन्स लगा के मत घूमो, पार्क में घूमो जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ सकती, कोई बाइक नहीं आ सकती, राइट। ऐसे मेन सड़कों पे, ट्रेन ट्रैक्स के आसपास, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने इंडिया में भी देखे हो। एक बंदा ट्रेन के पटरियों पर चल रहा है हेडफोन लगा के गाने सुन सुन के, पीछे से ट्रेन आ रही तो साइड से बंदा भाग के आया, उसको टैकल किया, नीचे गिराया साइड में, खुद भी साइड हो गया और उसी वक्त ट्रेन गुजरी है। लाइक 2 सेकंड और डिले होता तो गया था बंदा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए खुद का, बहुत डेंजर हो सकता है। ओके यहाँ पर क्या है, बाप है और बेटा है, बाइक लगाई नीचे तो सबको नॉर्मल सा लग रहा है फिलहाल के लिए। ए, 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 बाप की बढ़ गई, बाप की बढ़ गई, बाप की बढ़ गई, और बाप ने उसको बचा दिया। फादर्स आर सुपर हीरो गाइस, लाइक बनता है इस बात के लिए मैन। भाई साहब ऑल राइट, एक बिल्ला, मुझे पता है क्या हुआ होगा भाई। ये सारे के सारे बिल्ले ऐसे क्यों होते हैं भाई? मैंने कितनी क्लिप्स देख लिए बिल्लों की, खिड़की पे जहां पर नीचे खाई होगी पूरी की पूरी, वहां पर ऐसे 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 करके अपनी खुजली करते रहेंगे और एंड में क्या होगा, ऑलमोस्ट गिरने वाले होंगे। भाई साहब यार बिल्ले बड़े डेंजर होते हैं, पर कितना क्यूट है वाला बिल्ला, शक्ल देखो इसकी यार, मेरे को बिल्ले बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं सच में। अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या है, और ये बंदा उड़ के आया। वेट, ब्रुई वो वाली रेलिंग्स लगी हुई है जिसके ऊपर आप क्रॉस करके नहीं जा सकते, क्योंकि अगर गिर गए तो ये बहुत लाइक ऊपर से शार्प होते हैं। और ये बंदा व्हीली मार के जा रहा था बट बीच में घुस गया, आई थिंक इसकी टांगे घुस गया बीच से ऐसे करके। अगर यहाँ घुसता ना भाई, इसको तो अभी हॉस्पिटल जाना पड़ता भाई साहब, सर्जरी हो जाती इस बंदे की तो आज कसम से। नॉट इवन जोकिंग, क्या बच्चा है भाई, दोनों टांगे अरे परे से गई है इसकी बाय द वे। बहुत भाई इस बंदे की लक को तो मैं 10 out of 10 देने वाला हूँ, ये बहुत सुपर रेयर था बाय द वे, कुछ भी हो सकता है इस बंदे के साथ। ओ माय गॉड, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके ट्रेन आ रही है एक साइड से, ओ इसने बचाया उसको, इसने उस बंदे को बचाया भाई, तालियां यार इस बंदे के लिए, तालियां बनती है, तो सुपर हीरो बंदा है यार रियल लाइफ का। ओ भाई साहब इसने तो बचा दिया उसको सीरियसली डूड, पर मैं तो ये देखना चाहता हूँ वो घुसा कैसे वहां पे। नो बच गया, बच गया। ये गाड़ी वाले बंदे ने बहुत अच्छे काम किए भाई, भगवान की पूजा करके ऐसा हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ भी। ओ माय गॉड दैट वाज सो लकी यार। ओके इसको देखते हैं, इसने फेंका और इसका ये नीचे नहीं गिरा। ये तो भाई इसमें लक क्या है भाई, इसमें लक कुछ नहीं है, ये तो भाई प्योर फुटबॉल स्किल्स है ना, ये तो प्योर फुटबॉल स्किल्स। और वापस फेंक के अंदर मारा उसके मुंह के ऊपर, नाइस वन डूड।
I like it. All right, अगला वाला देखते हैं इसमें क्या हो रहा है. Okay, ये बंदा बहुत ही मेरे दिल की धड़कन रुकी, मेरे दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई थी भाई साहब. व्हाट, ये कितना डेंजर है ये हार्नेस के ऊपर. बाय द वे जो नीचे है ना गाइस, जहां पर बंदा भी खड़ा है, यहाँ से नीचे खाई होगी, बहुत गहरी खाई होगी. और हार्नेस के ऊपर जानबूझ के करते कि अगर बंदा गिर गया तो उसको थोड़ा एड्रेनलिन रश मिल जाए, लाइक जो होता है मजे मिले थोड़ा, यू नो, समझ रहे हो, एडवेंचर वाली फीलिंग है. और इस बंदे की यही खुल के अगर ये घुस जाता तो क्या होता इसके साथ भाई साहब. No way, dude. मैं तो कभी इस टाइप की चीजें एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में अजीब लगता है, लाइक मुझे डर लगता है मेरी लाइफ को लेकर यार. इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी बेवकूफी करके मरना नहीं है भाई, बस पाके तो चलता है सब कुछ. ओ ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बंदा आइस के नीचे गया हुआ था शायद से. ओ ये एक जगह से दूसरी जगह पे तैर के जा रहा है, बाहर निकलना था इसने, बट ये जो एग्जिट है इसने मिस कर दिया. ओ नो वे डूड, नो वे डूड, दिस इज सो अनलकी भाई. खाता में बंदा, अबे कैमरा वाला सामने के पहाड़ों को दिखा रहा है, नीचे दिखा इसको. ओके डूड प्लीज टेल मी कि बचेगा. हाँ बचेगा, ऑफ कोर्स लकीएस्ट वीडियो है भाई. इस बंदे ने पूरा छेद ही कर दिया वहां पे, थैंक्स टू दिस गाय. भाई तू लकी नहीं है, तू अनलकी है, पर इस बंदे ने तेको बचा दिया. तेरी लक को तो मैं 0/10 दूंगा. अगर ये बंदा नहीं होता और गलती से सोलो जा रहा होता, खत्म था भाई. ये बंदा इतना रिस्क क्यों लेते हैं लोग, मेरे को समझ नहीं आया. ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्क था लाइफ के लिए, है ना. चलो गाइस, ये थे हमारे कुछ लकीएस्ट लोग दुनिया के, जिनको देखकर मेरी तो हालत खराब हो गई है. तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोग को वीडियो कैसी लगी है. बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, अनलकीएस्ट पीपल भी लेकर आएंगे तुम लोगों के लिए, ठीक है ना गाइस. सो या गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलता हूं तुम लोगों के साथ.